हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगेश शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस, अगेन वेलकम्स यू एंड माय चैनल। तो आज मैं आपको पैसिव वॉइस की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसके तहत इम्परेटिव सेंटेंस जो हैं उनको बताने जा रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी हैं, बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तो उसमें करना क्या है आपको, केवल मेरे साथ लगातार इस वीडियो को देखना है। लगातार देखोगे समझ में आएगा, बहुत अच्छा आएगा। और इसके कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा मैं आपको जो बहुत आसानी से आप बहुत ही आसानी से किसी भी कोई भी सेंटेंस इम्परेटिव आता है आप उसको बिना सोचे समझे जैसे इम्परेटिव देखोगे और उसको आप मेरे बताए हुए रूल के अकॉर्डिंग उसको यदि कन्वर्ट करोगे तो बड़े आराम से कर जाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वास्तव में कैसे होते हैं, ये सबको पता कैसे होते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ये जो इम्परेटिव हैं इनको हम दो प्रकार के मानते हैं। वी अज्यूम टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, कहीं लिखे हुए नहीं देखे होंगे लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस मैंने ये कुछ करने की कोशिश की है। तो कौन से होते हैं, एक होता है वर्ब विद ऑब्जेक्ट, एक कौन सा होता है वर्ब विद ऑब्जेक्ट जिसमें क्रिया के साथ कर्म होता है, और एग्जाम्पल है उसका ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, इसमें ओपन वर्ब हो गई और डोर ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरे माने जाते हैं वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है केवल वर्ब है, जैसे कि गो देयर। अब इसमें गो वर्ब है केवल, देयर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दो प्रकार के हो गए। अब जब हम पहले वाले को बनाते हैं कि जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ साथ होते हैं, तो उसके लिए एक नियम है लेट का रूल है, और उसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया यहाँ पर कि सबसे पहले लेट लगाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हाँ, या फिर इसी तरह से लेट ऑब्जेक्ट बी बाद में बाई यू। अभी बाई यू का क्या मैटर है, बाई यू का मैटर है कि आप लगाओ या मत लगाओ इसमें, या फिर इसको एक तरीके से बना देते हैं कि सब्जेक्ट उसके बाद में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में बाई यू, चाहो तो लगा सकते हो और नहीं तो नहीं लगा सकते हो, इसको कोई जरूरी नहीं है लगाएं हम, हाँ। अब एग्जांपल जैसे ओपन योर बुक, हाँ अपनी किताब खोलो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रूल क्या किया हमने, लेट लगाया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाया योर बुक, फिर उसके बाद में बी लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन और बाई यू लिख दिया, ना चाहें तो ना लिखें, इसको काट दें। ऐसे ही इसको यदि इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, योर बुक, हाँ योर बुक शुड बी ओपेंड बाय यू, लगाओ या मत लगाओ इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन एक चीज और है कि यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, ये सेंटेंस क्या बन जाते हैं नेगेटिव, तो नॉट का यूज बहुत ही आसान है, इधर तो ऑब्जेक्ट्स के बाद, कहने का मतलब बी से पहले नॉट लगा देते हैं, हैं, और इधर शुड के बाद, हैं, कब, यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, कहने का मतलब डू नॉट या नेवर से शुरू होती हैं, तो नेवर शुरू होते हैं तो यहाँ नॉट या नेवर लग जाएगा, यहाँ भी नॉट या नेवर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम बताएंगे आपको जो कि वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट हैं, तो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इसके क्या रूल्स हैं, इस देखिए हमने इस पर पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ऐसे वाक्यों में भाव के अनुसार, उसकी सेंस के अनुसार, हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ रिक्वेस्टेड का, जहाँ कोई हम राय दे रहे हैं किसी बात की वहाँ एडवाइज का, कोई सलाह दे रहे हैं, और जहाँ कोई आज्ञा दी जा रही है वहाँ ऑर्डर्ड का। तो क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज या ऑर्डर टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, हाँ इसमें क्या है, इसमें हमने एक ऑर्डर दिया है, तो कैसे बनाएंगे इसको, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, कहने का मतलब जो स्ट्रक्चर में लिखा है वो जौंकाते हो, हैं, उसके बाद में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो भी जौंकाते हो, इससे जी और क्या होगा, स्ट्रक्चर लिखिए और जो सेंटेंस है उसको जौंकाते हो उतार दीजिए, तो इससे ज़्यादा ईजी क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात और, यदि सेंटेंस में नॉट या नेवर का यूज होता है, इट मीन्स सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है या नेवर से शुरू होता है, तो फिर हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, हमेशा टू से पहले करते हैं, जैसे कि डू नॉट स्लीप एनी लॉन्गर, हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको, ये एडवाइज होगा यहाँ पर, तो यू आर एडवाइज्ड
नॉट टू, टू से पहले लिखा हुआ हमने, नॉट टू स्लीप एनी लॉन्गर, यू आर एडवाइज नॉट टू स्लीप एनी लॉन्गर। तो ये किसका यूज हो गया, नॉट या नेवर का। अच्छा एक बात और होती है, जब सेंटेंस हमारे जिसमें हम रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ ऐसे वाक्यों में काइंडली या प्लीज वर्ड जो स्पेशल वर्ड हैं ये आते हैं, तो ये आने पर पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनको हटा देते हैं, हटा दिया जाता है इनको। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा, प्लीज कम हेयर, तो रिक्वेस्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हेयर, मीन्स इनको हटा दिया हमने, यहाँ से इस प्लीज को हटा दिया। तो फ्रेंड्स मैं सोचता हूँ कि आप लोगों की समझ में ये बात आई होगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और अभी पैसिव वॉइस के अंतर्गत कई और सारे वीडियोस में डालूंगा, जिसमें मॉडल्स आदि होंगी, जिसमें तुम्हारे इन्फिनिटिव का कैसे बनाते हैं, और भी कई सारे यूजेज हैं उनको बताऊँगा। थैंक यू।